ये है राम जो कि है बहुत ही खुश देखो स्कूल की वर्दी पहनकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैग टांग कर वो कितना खुश है क्योंकि वह बहुत दिन बाद जा रहा है अपनी स्कूल आइए हम भी चलते हैं राम के साथ उसके स्कूल और देखते हैं उसके स्कूल में क्या क्या होता है तो ये लो राम चला स्कूल राम गोज टू स्कूल ये देखो स्कूल के गेट के पास ही बच्चे खड़े हैं बहुत सारे और राम भी आ गया दौड़ा दौड़ा मुस्कुराता हुआ और उस तरफ से ही उसके और भी दोस्त आ गए और सारे मिलकर बहुत सारी बात करने लगे तो स्कूल में क्या होता है बच्चे करते हैं आपस में बात इसके बाद क्या होता है चलो देखते हैं देखो सारे बच्चे मिलकर देख रहे हैं छोटे से पौधे को जो लगा है स्कूल के आंगन में और उधर से कोई चला आ रहा है वो देखो वो आए माली अंकल पौधे को पानी देने तो स्कूल में और क्या होता है स्कूल में माली जो है वो पौधों को पानी देता है उसके अलावा देखते हैं अब क्या होता है थोड़ी ही देर बाद प्रार्थना का समय हो जाता है सब बच्चे मिलकर क्या करते हैं बच्चे प्रार्थना करते हैं आइए आगे देखते हैं क्या होता है प्रार्थना के बाद क्या होता है स्कूल में हाँ पढ़ने जाते हैं ना स्कूल में तो थोड़ी ही देर बाद कक्षा का समय हो जाता है और शिक्षक आ जाते हैं क्लास में तो देखो कैसे एक और तो जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुछ समझा रहे हैं लगता है तो एक तरफ तो शिक्षक जो हैं वो पढ़ाते हैं यानी कि टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो उनसे पढ़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ते हैं आइए देखते हैं इसके अलावा क्या क्या होता है पढ़ने के अलावा देखिए तो लगता है भोजन का समय हो गया खाने का समय और ये सारे बच्चे बैठकर शायद मिड डे मील खा रहे हैं आपके स्कूल में भी मिलती है क्या मिड डे मील तो भोजन के समय पे बच्चे क्या करते हैं मिड डे मील या खाना खाते हैं आइए और क्या होता है देखते हैं देखिए तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं लगता है ये रस्सी खींचने वाला खेल 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 रहे हैं जिसकी तरफ रस्सी खींच गई और वो तो जीत जाएगा तो आप स्कूल में क्या खेल खेलते हैं इसके अलावा हम्म और तो हमने जाना कि स्कूल में बच्चे खेलते भी हैं देखो तो हमने कितनी सारी चीज़ें जानी ना आइए आगे क्या होता है देखते हैं देखो तो सब कितने खुश हैं और घर की ओर जा रहे हैं लगता है छुट्टी का समय हो गया इसलिए खुशी खुशी घर दौड़े चले जा रहे हैं तो राम के साथ हमने देखा उसके स्कूल को आइए राम कहाँ है राम भी कितना खुश है जैसे एकदम सुबह था और वो हमसे कुछ कह रहा है सुनिए तो बाय बाय ओह राम तो गया आइए अब ध्यान से देखते हैं हमने देखा कि स्कूल में कौन से अलग अलग काम हो रहे थे राम के स्कूल में हमारे स्कूल में भी ये काम होते हैं क्या ध्यान से देखते हैं कि स्कूल में क्या क्या काम होते हैं सबसे पहले हमने देखा माली पौधों को पानी दे रहा था फिर हमने देखा बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे उसके अलावा बच्चे प्रार्थना कर रहे थे और शिक्षक पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे खाने के समय पर बच्चे खाना या फिर मिड डे मील खा रहे थे और अंत में हमने देखा कि बच्चे स्कूल में खेल भी खेल रहे थे क्या आपके स्कूल में भी इनमें से कुछ कुछ काम होते हैं या फिर सारे होते हैं और इसके अलावा आपके स्कूल में क्या काम होते हैं